फिर से बड़े अस्पतालों की मुखिया की तलाश। मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल में अधीक्षक पर नियुक्ति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। चिकित्सा शिक्षा विभाग से 6 मेडिकल कॉलेज के 30 अस्पतालों में अधीक्षक पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एसएमएस के अलावा कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर मेडिकल कॉलेज के अटैच हॉस्पिटल्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले फिर से आवेदन मांगे जाने के संकेत आप सभी को दिए थे। बड़ी जानकारी आपको दे रही है इस वक्त की चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर। और चिकित्सा शिक्षा विभाग से 6 मेडिकल कॉलेज की 30 अस्पतालों में अधीक्षक पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एसएमएस के अलावा कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर मेडिकल कॉलेज की अटैच हॉस्पिटल के लिए आवेदन मांगे गए। फर्स्ट इंडिया ने आपको पहले ही संकेत दिए थे कि फिर से आवेदन मांगे जा सकती हैं और यहां पर आवेदन जो है फिर से मांगे गए हैं। कहां कहां पर ये आवेदन मांगे गए हैं वो हम आपको लगातार बता रही हैं। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, पूरी खबर पर जानकारी सबसे पहले लेना चाहेंगे, लेकिन विकास हमें वो वक्त भी याद है जब फर्स्ट इंडिया ने इसके संकेत पहले ही दे दी थी कि फिर से जो आवेदन है वो यहाँ पर मांगे जाएंगे। 6 मेडिकल कॉलेज और 30 अस्पतालों में अधीक्षक पद के लिए फिर से आवेदन मांगे गए, विस्तार से जानकारी दीजिए। हाँ देखिए, बिल्कुल, ये जो कवायद है पिछले 3 महीने से कवायद चल रही है और इस कवायद में अधिकांश अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर एडिशनल चार्ज के रूप में जिम्मेदारी डॉक्टर संभाले हुए हैं और इस बीच में पूरे इंटरव्यू हो गए थे। इंटरव्यू कॉल होने के बाद में जब उसका पैनल बनके चिकित्सा मंत्री के पास गया तो चिकित्सा मंत्री के स्तर से हाई लेवल पर इस बात की जानकारी दी गई कि अधिकांश अस्पतालों में डॉक्टर के योग्य डॉक्टर्स के पैनल जो है वो तैयार नहीं हो पाए हैं। कई अस्पताल तो ऐसे थे जहाँ पर ऑप्शन के रूप में एक से दूसरा डॉक्टर भी मौजूद नहीं था जिसको जिम्मेदारी दी जाए, तो ऐसे में राज्य सरकार के स्तर पर फैसला लिया गया और उसके बाद में ये फाइल जो है वो लौटा दी गई थी। दिवाली के ठीक पहले हमने इस बात संकेत दिए थे कि आवेदन जो है वापस से मांगे जाएंगे, इसके लिए चिकित्सा मंत्री ने फाइल लौटा दी है और उसी के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आवेदन वापस मांगे हैं। 6 तारीख तक ये आवेदन किए जा सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन होंगे और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें कि इंटरव्यू कॉल होंगे और वापस से जो पैनल बना करके वापस से सरकार के पास भेजा जाएगा। जी विकास, वैसे तो 30 अस्पताल इसमें है, लेकिन मोटे तौर पर अगर कुछ अस्पतालों के नाम आपसे जानना चाहें तो वो भी जरा जानकारी दीजिए। हाँ देखिए, अगर बड़े अस्पतालों की बात करें तो जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अधिकांश बड़े अस्पताल, चाहे वो एसएमएस अस्पताल हो, जे किले हो, कावटिया हो, चाहे वो गणगोरी हो, तमाम जो डॉक्टर है उन सभी जो अस्पतालों में अधीक्षक प्रक्रिया के तहत लगाए जाने हैं। इसके अलावा अन्य जो अस्पताल है, चाहे वो जिलन अस्पताल हो, चाहे वो बीकानेर का अस्पताल हो, जोधपुर के अस्पताल हो, सभी अस्पतालों में बड़े अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज से बड़े अस्पताल है उन सभी में अधीक्षक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत होगी। ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और आपसे जानकारी हम लेंगे।